डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे 19 दिसंबर 2023 के लिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिडकैप निफ्टी, सेंसेक्स और बैंकेक्स के लेवल दिए हैं, साथ में ऑप्शन के भी लेवल दिए हुए हैं और साथ में दो स्टॉक्स को भी लिए, मैकडोवेल और इंडियाबुल रियल एस्टेट, और ऑप्शन एंड डाटा एनालिसिस करेंगे 19 दिसंबर 2023 के लिए। कल कैसा रहेगा बाजार? कल बाजार मुझे लग रहा है एक प्रॉफिट टेकिंग का रहना चाहिए, कल नीचे की ओर रहना चाहिए। अगर बढ़े तो वहाँ ऊपर में सेलिंग करना चाहिए और सेलिंग वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और यह है इंडियाबुल रियल एस्टेट, कल मुझे लग रहा है इंडियाबुल रियल एस्टेट चलना चाहिए। संडे का वीडियो में मैंने डाला था ये लेवल, और ये आज इंट्राडे वाले है तो इंट्राडे का डेली वाला लेवल चेंज हो गए। तो 90-50 के ऊपर हो तो बाई कीजिए, सपोर्ट 87-25 का रखिए, रेजिस्टेंस 93-75, 95-75, 97-75 और 99-50। कल मुझे लग रहा है कि फटना चाहिए 18 से 22 दिसंबर। ये भी मैंने मैकडोवेल दिया था संडे का वीडियो में, और ये आज इंट्राडे के लेवल है, आज भी चल गया ये 30-35 रुपये चल गया मैकडोवेल, तो कल भी ये फटना चाहिए 19 दिसंबर 2023 के लिए है मैकडोवेल। अबव 1095 के ऊपर हो तो बाई कीजिए, 1105 का क्लोजिंग दिया है, थोड़ा घटे 10 रुपये के नीचे तो लीजिए वहाँ पर, और 83 का स्टॉप लॉस लगाइए, और ऊपर में रेजिस्टेंस 1127 और 1127 के ऊपर चले तो 1147 तक भी जा सकता है। और ये मैंने वीकली का दिया था अबव 1073, आज 1061 रुपये हमारा था और वहाँ से 1115 बिका है, तो ये चलना चाहिए मेरे हिसाब से। इसलिए मैंने पहले ही डाल रहा हूँ वीडियो ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिल सके। आप इंट्राडे भी इसमें आप ले सकते हो और इंट्राडे का भी मौका आपको मिल सकता है, फ्यूचर भी चाहे तो ले सकते हो, 700 का लोट है मैकडोवेल। ये आज की समरी है। अटेम्प्ट हम लोग ने बहुत किए लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, एक दो आइटम में सक्सेस हुए। BTST निफ्टी 83 में सुबह बिकवा दिया था, 50% क्लोजिंग का स्टॉप लॉस मिला था, कट गया। फिर BTST जो फिन निफ्टी लेके गए थे वो 20 रुपये में हम लोग निकले, एक सुबह खुला था 6-7 रुपया, फिर वहाँ से 24-25 बिका, तब 25 से जैसा घुमा 20-21 में हम लोग निकल गए। उसके बाद बैंकेस 54,500 का पुट लिए थे 34 रुपया में, वो जीरो हो गया, 12 रुपया में काट दिए लास्ट में। बैंक निफ्टी 43,800 का पुट लिए थे 102 में, वो 155 में 50% बिकवा दिया था। और फिर बैंकेस 53,800 का पुट लेते हैं 8.80 में, वो 14-15 गया लेकिन बोला जाएगा, और लेकिन वो भी जीरो हो गया। उसके बाद बैंक निफ्टी 47,500 का पुट लिए 76 रुपया में, वो हम लोग ने कैरी फॉरवर्ड किया, 3 बार 100 रुपया गया, 100 रुपया से वापस आया 70 रुपया तक, और लास्ट में 90 रुपया। तो मैंने बोला BTST करके जाओ इनको, मैंने कैरी फॉरवर्ड लिखा मैंने। और निफ्टी 21,350 का अटेम्प्ट किया था, 71 वाला 79.50 भी गया था, वापस वहाँ से 63-64 भी गया, वापस वहाँ से 75-76, लेकिन उतना सक्सेस नहीं हुआ, फिर 71.5 में निकलवा दिए। और निफ्टी मिडकैप में थोड़ा गलती हो गया था एंट्री में, 1.65 था मेरे दिमाग में, लेकिन मैं बोला 6 रुपये यहाँ से घूमना चाहिए, तो वहाँ से 1.55 का लो बना, 1.55 से 9 रुपया भी गया, फिर वहाँ से 5.20 में मैंने बोला एग्जिट हो जाओ। तो ओवरऑल प्रॉफिट देखा जाए तो 630 रुपये ही आज हुआ है, और कैरी फॉरवर्ड हम लोग करके गए 90 रुपये का क्लोजिंग का भाव से, अब 47,500 का पुट। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो के कंटेंट अच्छे लग रहे हो और वीडियो के कंटेंट से आपको बेनिफिट हो रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल से जो नए जुड़े चैनल को सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और कोई भी इंक्वायरी हो आपको स्टॉक्स की, ऑप्शन की, फ्यूचर की, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9830555353। दिस स्लाइड्स वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली, एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किया। आज FII ने इंडेक्स में 3277 करोड़ का बाई किया, सेल किया 3261 करोड़ का, नेट बेसिस पे 1647 करोड़ का बाई किया। FII ने FNO स्टॉक्स में 1895 करोड़ का सेल किया, FII ने केस में 33.51 करोड़ का सेल किया, और DII ने 414 करोड़ का बाई किया। यह डाटा शीट है, और डाटा शीट में कोई खास इंडेक्स में कोई ऐसा कोई खास चेंजेस नहीं है। कॉल में जरूर है, इंडेक्स कॉल में
क्लाइंट ने 432,219 कॉन्ट्रैक्ट बोध किया, तो नेट बेसिस कल तक वो शॉर्ट थे, वो उसका पूरा रिवर्स कर दिया, 2,50,000 कॉन्ट्रैक्ट अराउंड वो नेट पोजीशन पे है। एफआई ने आज सोल्ड किए 31,786 कॉन्ट्रैक्ट, तो उनके अभी नहीं के बराबर है, 45,929 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स कॉल में लॉन्ग है। प्रो ने भी आज सोल्ड किया 4,433 कॉन्ट्रैक्ट, कल वो इंडेक्स कॉल में बाई करके गए, तो उसका पूरा रिवर्स करके नेट बेसिस पे 2,95,364 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स कॉल में शॉर्ट किए, यानी मंदी खेले है। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने सोल्ड किए है 1,23,423 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पर वो 1,65,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में, यानी तेजी खेले। डीआई ने 6,543 कॉन्ट्रैक्ट बोध किए, तो अब उनके हो जाते 1,710 कॉन्ट्रैक्ट। एफआई ने 66,768 कॉन्ट्रैक्ट बोध किए, तो नेट बेसिस पर वो इंडेक्स पुट में लॉन्ग है 2,04,513 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने 50,112 कॉन्ट्रैक्ट बोध किए, तो नेट बेसिस पर वो 1,40,245 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी शॉर्ट में चल रहे हैं। ओवरऑल समरी देखा जाए तो बाजार सेल ऑन राइस का मूड में रहना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी वर्ल्ड मार्केट क्या बोल रहा है, एशियन मार्केट कल क्या रिएक्ट करता है, उसके ऊपर अपना बाजार रिएक्ट करेगा, क्योंकि अब एफआई वाले छुट्टी पे चले जाएंगे, आज या कल एक दो दिन में चले जाने चाहिए। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हो तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें, और वीडियो से आपको कोई बेनिफिट हो रहा लर्निंग पर्पस में, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दिए गए लिंक पर आप जॉइन यूट्यूब में जॉइन हो सकते हो, फेसबुक पेज में आप लॉगिन कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो। और एक नोट कीजिएगा, मंडे को बाजार ऑफ है क्रिसमस के चलते 25 दिसंबर के लिए, तो इस बार गुरुवार को निफ्टी मिड कैप, सेंसेक्स, बैंकेक्स तीनों का एक्सपायरी रहेगा। इंट्राडे ट्यूसडे 19 दिसंबर 2023 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट बिलो 10,290 के नीचे सेल जोन में रहेगा, सपोर्ट 10,251, 10,210, ऊपर में रीजन 10,338। इंट्राडे ट्यूसडे 19 दिसंबर 2023 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,200 का पुट वीकली वाला, जहां घटे वहां 41 के पास लीजिए, अगर गैप अप खुल जाता है तो 31 या 21 के पास लीजिए, जहां नीचे मिले उतना लीजिए, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 61 और 75 तक जा सकता है। ट्यूसडे 19 दिसंबर 2023 के लिए सेंसेक्स पोर्ट बिलो 71,500 के नीचे सेल जोन में रहेगा, सपोर्ट 71,235, 71,000, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 71,645। इंट्राडे ट्यूसडे 19 दिसंबर 2023 के लिए सेंसेक्स 71,000 का पुट वीकली वाला अबाउ 250 रुपये के ऊपर बाई कीजिए, 284 का क्लोजिंग दिया है, तो 250 के ऊपर हो तभी बाई जोन रहेगा, 250 के नीचे हो तो एग्जिट हो जाइए। नीचे में सपोर्ट 210 है और उसके बाद 165 है, तो जितना नीचे मिले वहाँ भी ले सकते हो, रजिस्ट्रेशन 352 और 415 तक भी कल जा सकता है। ट्यूसडे 19 दिसंबर 2023 के लिए बीएससी का बैंकेक्स स्पॉट बिलो 54,100 के नीचे सेल जोन में रहेगा, सपोर्ट 53,875, 53,700, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 54,300 तक जाना चाहिए। इंट्राडे ट्यूसडे 19 दिसंबर 2023 के लिए बैंकेक्स 54,000 का पुट वीकली वाला अबव 297.50 के ऊपर हो तो बाई जोन, यानी क्लोजिंग के ऊपर हो तो बाई जोन, और नीचे में सपोर्ट 215 है, तो अगर 297 के नीचे हो तो वेट कीजिए, 215 के पास लीजिएगा, ऊपर में रजिस्ट्रेशन 380 और 450 तक जा सकता है। इंट्राडे ट्यूसडे 19 दिसंबर 2023 के लिए निफ्टी स्पॉट लेवल बिलो 21,422 के नीचे सेल जोन में रहेगा, ऊपर में रजिस्ट्रेशन 21,480 का, सपोर्ट नीचे में 21,360, 21,300 और 300 तोड़े तो 21,260 तक भी आ सकता है। इंट्राडे ट्यूसडे 19 दिसंबर 2023 के लिए निफ्टी 20,350 का पुट है वीकली वाला, एवो 71 के ऊपर चले तो बाई जोन की, क्लोजिंग 72.45 का दिया, यानी क्लोजिंग के ऊपर हो तभी बाई कीजिए, नीचे में सपोर्ट 57 और 41.65 है, अगर 71 के नीचे हो तो एग्जिट हो जाइए, 57 का इंतजार कीजिए या तो 41.65 का इंतजार कीजिए, वहाँ पर ले सकते हो, रजिस्टर ऊपर में 86, 100 और 115 तक जा सकता है।
इंट्राडे ट्यूसडे 19 दिसंबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 47,915 के नीचे सेल जोन में रहेगा, ऊपर में रही 48,035, नीचे में सपोर्ट 47,757 47,650 तक आ सकता है। इंट्राडे ट्यूसडे 19 दिसंबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी 47,800 का कॉल वीकली वाला, जहां बड़े हुआ 280 के पास बेचिए, रहीसन ऊपर में 350 का रखिए, सपोर्ट नीचे में 120, 95 और 71 तक भी आ सकता है। बाइंग रेंज करना हो तो 47,500 के पास। इंट्राडे ट्यूसडे 19 दिसंबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी 47,500 का पुट एबव 90-40 के ऊपर बाई जोन, 87.5 का क्लोजिंग दिया तो 90.5 के ऊपर हो तो बाई जोन कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए सपोर्ट 57 और 49 और रहीसन ऊपर में 118, 148, 179 के बाद जो होगा मैं व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में अपडेट कर दूंगा। और ये हम लोग BTST 75 में लिए थे और 90 का क्लोजिंग दिया हुआ है। इंट्राडे ट्यूसडे 19 दिसंबर 2023 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 21,465 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 21,400, 21,350 टूटे तो 280 तक आ सकता है, रहीसन ऊपर में 21,515। इंट्राडे ट्यूसडे 19 दिसंबर 2023 के लिए फिन निफ्टी 21,400 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे वहां 22.65 के पास लीजिए, सपोर्ट 15 रुपया और 7.5 रुपये का रहेगा, हीरो जीरो यही रहना चाहिए, रहीसन ऊपर में 65 और 90। इंट्राडे ट्यूसडे 19 दिसंबर 2023 के लिए फिन निफ्टी 21,400 का पुट वीकली वाला एबव 35 के ऊपर हो तो बाई जोन, 43.5 का क्लोजिंग दिया है तो 35 के ऊपर हो तो बाई कीजिए, नहीं तो फिर नीचे में 24 और 12 दो रेंज आ रहा है वहाँ पर आप बाई कर सकते हो, रहीसन ऊपर में 59, 75। ये BTST हमने 32 रुपये में बोला था लेकिन 35 तक गया था, 32 नहीं आया उसलिए मैंने काउंटिंग नहीं किया है। अगर आपको कमोडिटी फॉरेक्स स्टॉक्स मार्केट एंड ऑप्शन लेवल से लर्निंग में बेनिफिट हो रही हो और इस कंटेंट से भी आपको कोई बेनिफिट मिलता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय हिंद।